मैं आज अपने पीडीएम के कायदीन के साथ हाजिर हुआ हूं कि इस अजीम सानहे पर आपसे इजहार यकजहती करूं। हम सबको यकसां सदमा पहुंचा है। जब इस वाक्य का मुझे पता लगा तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाक्य की शदीद मुजम्मत की। उसके बाद फिर सेनेट का इजलास था, उस इजलास में भी इस मसले को उठाया। हमारे मुल्क में एक अरसे से गुमनाम कत्लो गारतगरी का सिलसिला शुरू है। हजारा बिरादरी पहले भी बहुत जख्म सहे है, बहुत बर्दाश्त किया है, नुकसान बर्दाश्त किया है। और कल ये जो हाल ही में जो वाक्या हुआ है उससे मजीद उन समेत हम सब सदमे से दो चार हैं। मालूम नहीं कि रियासत की रिट कहाँ है। आप सब भाइयों को पता है, मौलाना फजल रहमान साहब आपको सलाम भी दे रहे थे और आपसे इजहार यकजहती भी कर रहे थे और ये हमें हुक्म भी दिया कि आप लोग जल्दी पहुंचे। और इस वफद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी तशरीफ ला रही है, अभी वो पहुंचने वाली है। और मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल साहब, परवेज रशीद साहब, और यहाँ मेरे एमपीएस भी मौजूद है, असगर अली तरीन साहब, मीर यूनुस अजीज जहरी साहब जमीयत के ज़िला क्वेटा के अमीर मौलाना अब्दुलरहमान साहब। अजीज़ भाइयों, जिस तरह आपने ज़ख्म सहे हैं और शहादतें पेश की हैं, यही वाक़यात हमारे साथ हो रहे हैं। यहाँ 2017 को मस्तूंग में मुझ पे हमला हुआ, मेरे गाड़ी के अंदर 3 जवान शहीद हुए, मैं खुद जख्मी हुआ और 26 के करीब लोग हमारे शहीद हुए, मेरे गाड़ी के इर्द गिर्द थे और 40 से ज़्यादा जख्मी हुए। मौलाना फजल रहमान साहब पर 3 खुदकुश हमले हुए, जानलेवा हमले 3, और इसमें भी तकरीबन 30-35 लोग शहीद हुए, सैकड़ों के तादाद में जख्मी हुए। आज तक कातिलों का पता नहीं लगा, मास्टरमाइंड कौन है, ये मंसूबे कहाँ बनते हैं और क्यों कर ऐसा होता है। फिर कि जी यहां से दाइश है, मुझे भी यही बताया गया, और दाइश आगे इंडिया है। इंडिया का हजारे बिरादरी से क्या दुश्मनी, या जमीयत उलमा इस्लाम से क्या दुश्मनी? इसलिए अगर
कातिल जाहिर ना हो, कातिल नामजद ना हो, तो फिर यही कहा जाता है कि इस कत्ल में, इस साजिश में रियासत मुलव्वस है या रियासत कातिलों को बेनकाब करे। रियासती इदारे किस बीमारी का इलाज है, किस दर्द की दवा है, और रियासत खुद सोई हुई है। मैं इस बात पर ज्यादा सियासत नहीं करना चाहता, मैं आज आपसे इजहारे यकजहती के लिए हाजिर हुआ हूं, लेकिन दुख होता है, कहना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को यहां पहले रोज आना चाहिए, आपकी दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे। अब तक कातिलों की निशानदेही नहीं, फर्जी नाम आ रहे हैं, कौन है कौन नहीं। आप बैठे यहां, कातिलों को गिरफ्तार करवाए, उनके मास्टरमाइंड पकड़े, वो कोई जमीन के अंदर से तो यहां नहीं आते। मान लिया जाए, फर्ज किया जाए कि कातिल अफगानिस्तान से आए, कातिल कहीं और इलाके से आए, जिनको भारत की सपोर्ट हासिल है, या किसी अफगानिस्तान की या किसी भी रियासत की, तो उसे भी बेनकाब होना चाहिए। इंडिया के एजेंट यहां तकरीबकारी के लिए मौजूद रहते हैं, कहीं पकड़े भी जाते हैं तो उनको कोई सजा नहीं मिलती, तो आगे उनको जरूरत होती है। तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर हमारी और आपकी हिफाजत, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। मैं किसको कहां तक ढूंढ सकता हूं, मेरे पास क्या वसाइल है। इसलिए आज हम आपसे इजहार यकजहती के लिए हाजिर हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कल गुज़िश्ता रात हम बन्नू में साथ थे, मैं वापसी का सफ़र कर रहा था तो उनका फ़ोन आया मुझे कि आपने फौरन क्वेटा जाना है, शेड्यूल में बहुत सारे प्रोग्राम थे, वो हमने मुलतवी किए, और मुस्लिम लीग नून की क़ियादत भी हाजिर है, आपकी खिदमत में भी हाजिर होने वाली है। मरियम नवाज साहिबा, आप उनको भी सुनेंगे। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ आप भाइयों के साथ है, और इंशाल्लाह ये यकजहती ये चलेगा इंशाल्लाह, और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से कोई भी खिदमत हमारे हवाले की जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। वैसे अपने हद तक जो भी जिस तरह मसाइल उठाए जाते हैं हम उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। मैं आपकी दुख में शिरकत के साथ साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे तवक्को रखूंगा कि ये बहुत बड़ा सदमा है। जिस घर में ये सदमा होता है उसी को पता है, जिस बिरादरी में होता है उनको पता होता है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनको गरीब की रहमत फरमाए। मैं इन्हीं कलमात पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।